हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ग्रेविटेशन मोशन, ग्रेविटेशन के, न्यूक्लियाई के, और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, उन सॉल्यूशन को देख सकते हैं। एंड होपफुली जिस तरह से ये क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे हैं उन्हीं उन क्वेश्चंस को भी आप एंजॉय करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें बोला है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू के आर पावर ए। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू दे रखी है रो इक्वल्स टू के आर पावर ए, वेयर के एंड आर द कॉन्स्टेंट्स एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू इज 1/8 टाइम देन एट आर इक्वल्स टू आर द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो है रो इक्वल्स टू के आर पावर ए। अब हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फीयर के लिए किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, गाउस लॉ का। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर है और इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया यहाँ पर जो 1/ε0 है बाहर आ गया, चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो रो इंटू डी वी, फिर ये हो गया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/ε0। रो की वैल्यू कितनी है, के इंटू आर ए। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr, क्योंकि हम कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी रेडियस लेंगे सेंटर से और उसकी थिकनेस लेंगे तो वहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो ये जो E है इसकी वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर और K बाहर आ गया K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई भी बाहर आ गया। तो ब्रैकेट में क्या रह गया है, ब्रैकेट में रह गया R पावर A प्लस 2 और dr। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 4 पाई K अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा यहाँ से R A प्लस 3 अपॉन A प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने, x की पावर n dx एक्स इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4π से 4π मरेगा, तो 4π से 4π को उड़ाओ, 4π से 4π अगर जाएगा, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, ये 4π से 4π खत्म और ये एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ से e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस 3। ये मेरे पास E की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल्स टू R बाई टू इज 1/8 टाइम्स एट R इक्वल्स टू R। तो अगर R इक्वल्स टू R बाई टू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं लिख दूँ E2 और R इक्वल्स टू R जो है वो उसको लिख दूँ E1, तो E2 इक्वल्स टू 1/8 E1, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में हमने इक्वेशन लिखी है इसमें जब हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू रख देंगे क्या, तो हम वैल्यू रख देंगे क्या, R इक्वल्स टू कैपिटल R बाई टू, और जब हम E1 के लिए बात करेंगे जब हम R की जगह कितना रख देंगे, कैपिटल R, तो मैं वो वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे K और एक बार रख दिया, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, R बाई टू की, तो ये हो गया R बाई टू पावर A प्लस 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3 इक्वल्स टू ये K और अब मैं रखूँगा R A प्लस 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3। तो ये पूरा ख़त्म, के ख़त्म, आर पावर ए प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 8 भी आएगा भैया, ना 8 भी आएगा, तो मेरे पास कुल मिला के बचेगा क्या, 1/2 a + 1 बराबर 1/2³ बचेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और मेरे कराने के बाद आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर करना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
होपफुली ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपलोड करते हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।